मैं भी पूल में डुबकी मार। यस, डुबकी मार दो और प्लीज आ जाओ। ओके, आई वांट टू सी। ऑलराइट, ये मुझे बोल रहे हैं स्विमिंग पूल में डुबकी मार के वापस आओ। तुमको डुबकी मारना है। बिग बॉस सीजन 16 का आगाज हो चुका है और पहला ही दिन काफी ज्यादा धमाकेदार रहा है। पहले दिन से ही बिग बॉस ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया है। जी हाँ, बिग बॉस ने घर वालों के साथ प्रैंक कॉल्स किए हैं, जिसमें शालीन, टीना, अब्दू और साथ ही साथ अर्चना को इसमें उलझाते हुए नजर आए। पर सबसे पहले बात करें तो फोन आया था आमिर खान के प्रैंक कॉल का। जी हाँ, टीना फोन उठाती है, जिसके बाद बोला जाता है कि शालीन को फोन दिया जाए। सामने से शालीन को बोला जाता है कि वो एक परफेक्शनिस्ट हैं, साथ ही साथ वो चाहते हैं, यानी कि आमिर खान चाहते हैं कि वो पूल में डुबकी लगा के बाहर निकले। शालीन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्हें आमिर का फोन आया है। वो समझ नहीं पाते कि एक प्रैंक कॉल है। हालांकि उन्हें डाउट जरूर होता है, लेकिन उसके बाद वो बिलीव कर लेते हैं। शालीन अपनी टोंड बॉडी को पूल के पास लेके जाते हैं और उसके बाद वो एक डीप जंप लगाते हैं, जो कि घर वालों के लिए काफी मेस्मराइजिंग होता है देखना। जिसके बाद शालीन वापस आके फोन पिक करते हैं। प्रैंक कॉल पर कहा जाता है कि उन्हें ये जंप पसंद नहीं आई, इसलिए शालीन एक बार फिर से जंप लगाने जाते हैं पूल के पास। शालीन दोबारा जंप लगाकर आते हैं, जिस पर टीना उन्हें कहती है कि तुम्हें तीसरी बार भी जंप लगाने को बोला जाएगा। और ठीक वैसा ही होता है। प्रैंक कॉल पर शालीन को एक बार फिर से जंप लगाने के लिए बोला जाता है, जिसके बाद थोड़े बहुत शालीन इरिटेट हो जाते हैं और शालीन बिग बॉस से कहते नजर आते हैं, इफ अगर ये जोक हुआ तो फिर मैं भी एक बहुत बड़ा जोक करूंगा। और उसके बाद शालीन फिर से पूल में तीसरी बार जंप करते हैं। एंड फाइनली प्रैंक कॉल पर बोला जाता है कि उन्हें इस बार की जंप बहुत अच्छी लगी है। वेल, ये तो था शालीन के लिए फोन। बिग बॉस से जुड़ी हर खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।